अब हमारी सहभागी, हमारे ही संगीत में क्लास की संगमित्रा जी, वो परफॉर्म करेंगी। उसके नियम जो है तो हमारे गुरु जी बताएंगे उन्हें किस प्रकार परफॉर्म करना है। चलिए, आप सरगम का फर्स्ट स्टेप रिदम के साथ में आप देख रहे संगमित्रा ने इस कार्यक्रम की शान बढ़ा दी है। और जैसा कि ये प्रक्रिया है, हम कार्यक्रम के बाद जो भी प्रतिभागी जो परफॉर्म करता है उसके बाद अंक का पता करते हैं। तो आइए जानते हैं हम इस बच्ची को रोशनलाल जी और रतन तिवारी जी कितना अंक देते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इस संस्था के कर्ता धर्ता इन्हें कितने अंक से सम्मानित करते हैं। और ये आपके सामने रोशनलाल जी द्वारा 4 मार्क्स दिए गए इस बच्ची को, क्लैपिंग होती रहे। और ये रतन तिवारी जी ने इन्हें 5 मार्क्स दिया है। सच अ ब्यूटीफुल नंबर सीखने। तो आइए जानते हैं गुरु जी संगमित्रा को कितने अंकों से सम्मानित कर रहे हैं। आइए जानते हैं गुरु जी। और संगमित्रा का टोटल मार्क्स भी उतना ही होता है जितना कि गौरव जी का है, 13 out of 15। इट्स अ गुड मार्किंग। अब मैं गुरु जी से जानना चाहूंगा अगले कार्यक्रम में कौन परफॉर्म करेगा। तान्या तिवारी जी अब परफॉर्म करेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे जज किस प्रकार से इनका मूल्यांकन करते हैं। आइए मूल्यांकन के लिए रोशनलाल जी के पास चलते हैं। और उन्होंने 4 मार्क्स दिया है, 4 मार्क्स। तालियां कोई बजा नहीं रहा। तिवारी जी ने 5 मार्क्स दिया है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है। अगली कड़ी में हाँ गुरु जी हमारे बताएंगे कि क्या क्या अंक देना है। आइए गुरु जी से जानते हैं इनका। ऐसे आपका भी होता है क्योंकि गुरु जी गुरु जी ने 5 अंक दिया है। तालियां बजाते हैं आप लोग, क्या बात है। रेडी तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं को होस्ट से इस्तीफा दे करके मैं अपनी को होस्ट खुशी गौतम जी को सौंपता हूँ। कुछ देर के लिए वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी क्योंकि मैं एक प्रतिभागी भी हूँ, तो मैं अब कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ और देखते हैं मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। ओवर टू यू खुशी गौतम जी। खुशी गौतम जी यहाँ पर एंकरिंग कर रहे हुए रत्नाकर सर, यहाँ के सिर्फ एंकरिंग नहीं कर रहे प्रतिभागी भी हैं, इसलिए मैं उनसे चाहूँगी कि अपना परफॉर्मेंस करें, आगे बढ़ाएं आज के कार्यक्रम को। सर आपके ये जो गीत है वह है अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते। जी मैं कबूलता हूँ इस गीत को।
बहुत ही खूबसूरत गीत है, मैं प्रयास करूंगा कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो पाए। और अभी आप सभी दर्शक मेरे साथ ही अगर गुनगुनाएंगे तो आपको त्रुटि महसूस नहीं होगी, जरूर आपको बढ़ाएंगे। तो चलिए आइए। I did not expected he will give me a 4 marks, but fortunately I got the 4 marks. Thank you so much, sir. I know I did a long mistakes. Next time I will take care of it and I will not take any mistakes.